हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम सामान्य होम्योपैथी उपचार श्रृंखला में देखेंगे होम्योपैथिक औषधियों के प्रयोग हेतु निर्देश। इसके पहले सामान्य होम्योपैथी उपचार श्रृंखला के प्रथम भाग में, इन फर्स्ट पार्ट, वी सी अबाउट जनरल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, ये क्या है और किन किन परिस्थितियों में इसे हम यूज करते हैं, या होम्योपैथिक दवाओं का प्रयोग किस कंडीशन में करते हैं, तथा होम्योपैथी एक परिचय जिसके अंतर्गत हम देखे थे एक जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन ने होम्योपैथी का आविष्कार किया तथा जनमानस को स्वास्थ्य लाभ हेतु इसके प्रयोग हेतु दिशा निर्देश दिया। आज हम देखेंगे होम्योपैथिक औषधियों के प्रयोग हेतु दिशा निर्देश। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि होम्योपैथिक औषधि दवा या मेडिसिन बनता किससे है, यानी इसके सोर्स क्या है, इस दवाओं के स्रोत क्या है, इसकी बनाने की विधि प्रक्रिया क्या है और प्रयोग विधि क्या है। होम्योपैथी दवाओं के स्रोत जो है वो निम्नलिखित स्रोत हैं: वनस्पति या प्लांट किंगडम, जंतु जगत एनिमल किंगडम, खनिज जगत या मिनरल किंगडम, नोसोड सार्कोड इम्पोंडेराबिलिया एंड सिंथेटिक और कृत्रिम स्रोत। वनस्पति स्रोत और प्लांट किंगडम हमारी लगभग आधे से ज़्यादा दवाओं जो है होम्योपैथिक दवाइयाँ वनस्पतियों से प्राप्त की जाती है, जिसमें वनस्पतियों के फूल, पत्ते, तना, तने के छाल, उसके जड़ और संपूर्ण वनस्पतियों का प्रयोग किया जाता है। जंतु जगत एनिमल किंगडम में जो दवाओं एनिमल किंगडम से बनती है, जैसे लैकेसिस, एक सांप है, एक जाति की सांप होती है, उसके पॉइजन विष से लैकेसिस, नाजा, लैकेनाइनम दूध से बनती है, इस प्रकार उसके विभिन्न भागों से, जैसे ओवाटोस्टा, पिट्यूटरीन, बहुत सारी दवाइयाँ उसके विभिन्न भागों से बनती है, जैसे बुफोराना मेडिसिन है, बुफोराना जो एक फ्रॉग से बनती है। इस प्रकार विभिन्न दवाओं उनके विभिन्न अंगों से या स्रावों से बनती है। खनिज जगत या मिनरल किंगडम, जैसे मेडिसिन कल्क्रिया कार्ब, कल्क्रिया फ्लोर, फॉस्फोरस, ग्रेफाइटिस, ये सारी दवाएं मिनरल किंगडम से बनती है। नोसोड्स कुछ ऐसी दवाएं हैं जो डिजीज प्रोडक्ट से बनती है, चाहे वो ह्यूमन डिजीज प्रोडक्ट हो या एनिमल डिजीज प्रोडक्ट हो या प्लांट डिजीज प्रोडक्ट हो, जैसे सिकल कोर दवाएं, पायरोजेनम, सिकल कोर प्लांट डिजीज प्रोडक्ट है, जबकि पायरोजेनियम जो ह्यूमन पस प्रोडक्शन से बनती है, ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन है, ये भी नोसोड से। सार्कोड्स हेल्दी प्रोडक्ट, जैसे पिट्यूटरीन, थायराइडिनम, ये दवाएं हेल्दी प्रोडक्ट से बनती है। ओवाटोस्टा, इम्पोंडेराबिलिया, इम्पोंडेराबिलिया मीन्स प्राकृतिक स्रोतों से बनती है, जैसे जो नक्षत्र ग्रह हैं, जैसे मेडिसिन लूना चांद की रोशनी को ग्लोबुल्स पर पास करा करके, अट्रैक्ट करा करके फिर बनाई जाती है, पोटेंटाइज की जाती है।
सोलर सूर्य की रोशनी को पोटेंटाइज की जाती है, उसके बाद एक्सरे, रेडियम, ये सभी दवाएं नेचुरल सोर्स जो है उसको पास करा करके बनाई जाती है। कृत्रिम और सिंथेटिक केमिकल कंपोजिशन, किसी पदार्थ का एक केमिकल कंपोजिशन होता है, उसे मिला करके लैब में बनाई जाती है, जैसे पिट्यूटरीन, पैंक्रियाटिनम या प्लास्टिक मेडिसिन जिन्हें प्लास्टिक एलर्जी होती है। और कुछ दवाओं जैसे टेटोपैथी दवाएं हैं, जो एलोपैथी दवाओं का पोटेंटाइज्ड फॉर्म हम होम्योपैथी में यूज़ करते हैं, जिसके बारे में इसके बाद में आने वाले सीरीज में मैं बताऊंगा टेटोपैथी इन डिटेल, जिस पर एक या दो वीडियो बनेगा। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि होम्योपैथी दवाओं के स्रोत जो है वनस्पति जगत, जंतु जगत, खनिज जगत, नोसोड, सारकोट्स, इम्पोंड्राबिलिया एंड कृत्रिम स्रोत, ये मुख्यतः सात स्रोत हैं जिससे होम्योपैथिक दवाओं का निर्माण किया जाता है, या सात होम्योपैथिक दवाओं के स्रोत हैं जिसे हम अपने होम्योपैथी दवाओं के लिए ड्रग मटेरियल्स जो है वो कलेक्ट करते हैं। होम्योपैथी दवाओं के प्रकार, होम्योपैथी दवाओं के प्रकार जो है, एक है मदर टिंचर, पोटेंसी, बायोकेमिक, सिरप, कॉम्बिनेशन, सोप, मलहम, टूथपेस्ट, बाय प्रयोग हेतु। मदर टिंचर किसी भी पौधे का या प्लांट का या मिनरल से या नोसोड्स के जो मूल रूप, मूल अर्क जिसे हम प्राप्त करते हैं, मदर टिंचर कहते हैं, या इसे मेडिकल भाषा में हम ड्रग कहते हैं। दोज सब्सटेंस यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन विच इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर नोन कॉल्ड ड्रग। सो यहाँ पर तीन शब्द आती है, ड्रग, मेडिसिन एंड रिमेडी। ड्रग या मदर टिंचर जो हम यूज करते हैं, जिसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है, जिसका भौतिकी और रासायनिक गुण हमें मालूम होता है, जिसका हम दवा निर्माण हेतु प्रयोग करते हैं। मेडिसिन दवा, जब ड्रग सब्सटेंस मदर टिंचर का हम स्वस्थ मनुष्य पर परीक्षण करके, प्रूविंग करके जो लक्षण प्राप्त कर लेते हैं और लिपिबद्ध कर लेते हैं, या उसे हम मटेरिया मेडिका में लिख लेते हैं, उसे हम मेडिसिन कहते हैं। और उसी मेडिसिन को एक समान लक्षण वाले मनुष्य पर किसी बीमारी को दूर करने के लिए जब हम दवा देते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं, तो वो रिमेडी कहलाता है। सो मदर टिंचर औषधि यानी मेडिसिन एंड रिमेडी प्रिस्क्राइब मेडिसिन, ये तीनों में अंतर है। तो मूल रूप से मदर टिंचर होता है, मदर टिंचर बनाने में अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, और अल्कोहल का प्रयोग या उसका रेशियो भाग जो है मदर टिंचर में कितना होगा, ये निर्भर करता है स्रोत के ऊपर कि ये प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम है, एनिमल किंगडम है या नोसोट्स है। पोटेंसी, पोटेंसी या तनुकृत या उसका शक्तिकरण जो हम करते हैं पोटेंटाइजेशन के लिए, जो पोटेंटाइजेशन होम्योपैथी की एक विलक्षण गुण है, विशिष्ट गुण है, जिसमें हम दवा और अल्कोहल मिलाकर के एक निश्चित रेशियो में उसे हम 10 डाउन स्ट्रोक, 10 बार उस पर प्रहार या भार दे करके उसके गुण को हम निखारते हैं। वर्तमान समय में ये सब दवाओं का निर्माण फैक्ट्रियों में होता है आधुनिक मशीनों के द्वारा, जिसे हम पोटेंटाइजर कहते हैं। तो पोटेंसी जो है, जो हम दवा खरीदते हैं उस पर किसी डॉक्टर को, किसी मेडिकल स्टोर में हम कहते हैं कि हमको अर्निका 30 चाहिए, तो अर्निका 30 देता है। तो सपोज एक मेडिसिन अर्निका अगर है, तो प्रैक्टिस में जो हम यूज करते हैं
अर्निका मदर टिंचर, अर्निका 3, 6, 30, 200, 1 एम, 10 एम। तो ये पोटेंसी जो है इसको हम सेंडेसिमल स्केल कहते हैं। लेकिन अर्निका 3x या 6x अगर हम लेते हैं तो इसे हम डेसिमल स्केल कहते हैं, और अर्निका 0/1, 0/2 अगर लेते हैं तो उसे हम 50 मिलीसिमल या LM पोटेंसी कहते हैं। इन तीनों पोटेंसी में दवाओं का जो मात्रा होता है और व्हीकल जो होता है, जो डेसिमल स्केल है जिसके नंबर के आगे x लिखा रहता है 3x 6x, उसमें दवाओं और दवा जो होता है या ड्रग सब्सटेंस जो होता है या प्रिसिंग पोटेंसी, उसमें दवा का मात्रा जो होता है या प्रीवियस पोटेंसी का मात्रा होता है 1, और व्हीकल जो होता है उसका मात्रा 9 होता है। चाहे हम दवा अल्कोहल मिला करके बनाए या डिस्टिल वाटर व्हीकल में यूज करते हैं या शुगर ऑफ मिल्क करते हैं। सिंडेसिमल स्केल में दवा और व्हीकल का जो रेशियो होता है वह होता है 1:99, 1 पार्ट मदर टिंचर और 99 पार्ट अल्कोहल या व्हीकल मिलाने के बाद जो दवा बनती है वह सेंडेसिमल स्केल होती है, और 1 भाग दवा और 5,000 भाग व्हीकल्स अगर यूज होती है तो मीन्स 50,000 भाग होती है तो वो होता है 50 मिलीसिमल स्केल। सो इसके विस्तृत जानकारी के लिए या तो हम अलग वीडियो बनाएंगे या आप फार्मेसी का टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं। बायोकेमिक मेडिसिन जो है इसका निर्माण टैबलेट फॉर्म में होता है जनरली, जैसे कल्केरिया फॉस 6x, नेट्रम फॉस 6x, काली फॉस 6x, तो ये 3x 6x 12x और 30 और 200x तक बाजार में उपलब्ध होता है। इसका प्रयोग हम सुसलर के थ्योरी पर करते हैं या बायोकेमिकल डेफिशिएंसी जो होती है उसको पूरा करने के लिए करते हैं। सिरप जो है या लिक्विड है जिसमें ड्रग सब्सटेंस और व्हीकल मिला होता है, जैसे अल्फा अल्फा टॉनिक हम खरीदते हैं या कप सिरप खरीदते हैं, तो सिरप एक लिपिड ड्रग है जिसका हम ओरली यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन, विभिन्न कंपनियां वर्तमान समय में बायोकेमिक कॉम्बिनेशन बनाती है, जैसे कॉम्बिनेशन नंबर बायो कॉम्बिनेशन 1 टू बायो कॉम्बिनेशन 26। सोप, साबुन एक्सटर्नल एप्लीकेशन में जो हम यूज करते हैं साबुन, जैसे नीम युक्त एजाडिरेक्टा इंडिका सोप, कैलेंडुला सोप, इकाइनेसिया सोप। सो डिफरेंट विभिन्न प्रकार के साबुन या सोप जो हम यूज करते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के ड्रग मटेरियल्स होते हैं, जैसे स्किन डिजीज, ऑफेंसिव स्वेट जो आती है, बदबूदार पसीना, ये सबों में अलग अलग प्रकार के साबुन का यूज किया जाता है। मलहम और एंटमेंट, कैलेंडुला एंटमेंट, अर्निका एंटमेंट, कैंथेरिस एंटमेंट, ये जनरली यूज होता है। तो एंटमेंट जो होता है ये वेसलिन बेस्ड में होता है, अलग अलग बेस होता है, उसमें ड्रग सब्सटेंस जो होता है वो 1 पार्ट होता है और व्हीकल 9 पार्ट होता है, और लेबोरेटरी मेथड के अनुसार इसे बनाया जाता है। टूथपेस्ट जैसे हेकला लावा, ओरोडेंट, वेलमोडेंट इत्यादि टूथपेस्ट होम्योपैथिक टूथपेस्ट यूज होते हैं, और बाह्य प्रयोग होते जैसे कुछ दवाओं का प्रयोग हम एक्सटर्नल रूप से करते हैं, जैसे यूफ्रेशिया आई ड्रॉप कंजंक्टिवाइटिस के केसेज में करते हैं, मुलेन ईयर ड्रॉप या मुलेन आयल कान दर्द में करते हैं, रेस्पिरेटरी में नेजल पोलिप या नेजल कंजेशन या सर्दी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तब वहाँ पर हम ट्यूक्रियम मदर टिंचर का यूज करते हैं, और इन्हेलेशन के द्वारा भी, जैसे कि ब्रोंकाइटिस या निमोनिया के केसेस में
या रेस्पिरेटरी जो डिस्ट्रेस होता है उसमें हम जस्टिसिया ब्लाटा ओरिएंटलिस या यारवा संटा मेडिसिन का यूज हम निम्बुलाइजेशन के द्वारा करते हैं। प्रयोग विधि जो है इन दवाओं का, प्रयोग विधि इन दवाओं का जो होता है वो ओरली होता है, खाने के लिए दिया जाता है ग्लोबुल्स में, डिस्टिल वाटर में या अल्कोहल मेड होता है। उसके बाद इन्हेलेशन भी होता है, इन्हेलेशन मतलब नाक से दवा को सुंघा देना। अनकॉन्शस अचेता अवस्था में अगर कोई पेशेंट है तो उस समय हम नाक के द्वारा भी सुंघा देते हैं, जैसे कार्डियक प्रॉब्लम या हार्ट अटैक के समय मेडिसिन हम नाक से भी दे सकते हैं। स्किन मलहम जो है स्किन के द्वारा स्किन पर हम लगाते हैं जिससे उसे राहत मिलती है, जैसे कोई कीड़े काट लेते हैं या जल जाने के बाद में कैंथेरिस। कान में जो है ईयर ड्रॉप देते हैं जो कान के रोगों में दर्द में राहत पर देती है। आई ड्रॉप एक्सटर्नल देते हैं, नेजल या इन्हेलेशन ओरल, ये पांच रूट है मेडिसिन प्रयोग के। इस प्रकार हम आज के इस सीरीज में औषधियों के प्रयोग हेतु निर्देश में देखे इसके सोर्स कितने हैं, किस किस किंगडम से बनता है, जैसे वनस्पति जगत वेजिटेबल किंगडम, प्ला एनिमल किंगडम, मिनरल नोसोट सारकोट सिंपोंडेरा बिलिया एंड सिंथेटिक। बनाने के विधि जो है इसमें डेसिमल सेंडेसिमल एंड 50 मिलीसिमल स्केल में दवा बनाई जाती है, और दवाओं का प्रयोग जो है ओरल नेजल आई ईयर स्किन इन रूट से किया जाता है। उसके बाद कुछ दवाओं का प्रयोग, जो दवा हम देते हैं उसका प्रयोग के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं, जैसे कुछ दवाओं का एग्रावेशन जो समय होता है वृद्धि काल होता है, होम्योपैथी दवाओं में एग्रावेशन पीरियड भी होता है जिसे हम उस समय उस दवा का प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे लाइकोपोडियम 4 से 8 बजे संध्या समय होती है उसमें हम नहीं दे सकते। लैकेसिस का रात में 9 से 10 बजे के बाद वृद्धि होती है। सिफिलिनम सूर्यास्त के बाद से वृद्धि होती है और सुबह होने पर कम जाती है। नेट्रामुर सूर्योदय के बाद होती है और संध्या होते होते शाम होते होते कम जाती है। इस प्रकार जो पोलिक्रिस्ट मेडिसिन है जो ज़्यादा प्रयोग में आती है, आर्सेनिक बेलाडोना नेट्रामुर सल्फर लाइकोपोडियम लैकेसिस मरक्सोल सिफिलिनम नक्स भूमिका इत्यादि पोलिक्रिस्ट मेडिसिन देने के समय उसका हम एग्रावेशन टाइम को ध्यान में रखते हैं और उस समय उन दवाओं का प्रयोग हम न करते हैं। कुछ दवाओं का प्रयोग बीमारी की अवस्था के अनुसार करना चाहिए, जैसे ट्यूबरकुलिनम कार्सिनोसिन। ये मेडिसिन कभी भी एक्टिव फेज में जो एक्टिव केस है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है जिसे अभी ट्यूबरकुलोसिस बीमारी हुई है उसमें नहीं दे सकते हैं, या भविष्य में उसे हुई है, या कैंसर के रोगी को डायरेक्ट हम एक्टिव फेज में कार्सिनोसिन मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। नोसोट्स ग्रुप की दवाओं का प्रयोग लो पोटेंसी में तथा बार बार हम नहीं करते हैं। कुछ दवाओं का प्रयोग गर्भावस्था में नहीं किया जाता है। इस प्रकार हम होम्योपैथिक औषधियों के प्रयोग हेतु निर्देश के अंतर्गत इन सारी तथ्यों की जानकारी प्राप्त किए। आशा है भविष्य में इसके आगे की वीडियो भी अपलोड करेंगे। इस वीडियो को देखें और इसमें क्या आपको और कमी लगी, किस टॉपिक पर वीडियो आगे चाहिए वो भी हमें करें। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।